हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी अचानक से उसने पीछे से बोला इमली की चटनी बन रही है, इसी की स्मेल हो रही है पूरे घर के अंदर। इमली की चटनी बनवा किसके लिए रही है तू? भेलपुरी के लिए बन रही है ये? बहुत सही है। देखो आई आई भाई यार, प्लीज यार मेरे सामने ना फालतू खाने का नाम मत लो। कल क्या दो पैकेट नूडल्स खा ली ना, तो अभी गिल्ट में है। सुबह से गिल्ट में हूं गाइस। सुबह ग्रीन टी पी है इसने, बताओ। मैं तो ग्रीन टी पीऊंगी, टॉक्सिन वॉक्सिन निकल जाएंगे ग्रीन टी। भाई 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 भाई, मैं एक चीज बताना चाहती हूं, कोई भी चीज आपको पसंद हो उसको एक्स्ट्रा में मत खाओ, नहीं तो बुरी लगेगी। या मेरे को एक महीने तक नूडल्स पसंद नहीं आई। चल बढ़िया, हर बार जब भी मन करा करे एक्स्ट्रा खा लेता क्या? एक डेढ़ महीने गई। अरे नहीं नहीं, अच्छी नहीं होती यार इतनी खाना। मैंने गलती कर, कभी भी गाइस इतनी ज्यादा नूडल्स मत खाओ। मैंने पिछली बार जो वीडियो में कहा था ना कि ट्राई करो, ये है ना, तीन दिन वीडियोस देखी उसके वापस खाने लग जाएगी। गाइस ये देखो, इसके इतने सारे नायका के पार्सल और आ गए। और आज सुबह सुबह कोई एक चोट जो कि एक लीक पार्सल जो आया था बल्क में ऑर्डर कर दिया, मेरी गलती थी। आपको अलग अलग ऑर्डर करनी चाहिए, जैसे एक में आपने चार मंगा लिया, एक में पांच मंगा लिया, ऐसे करके ऑर्डर कर। एक ही बड़े बॉक्स के अंदर सब ठूस देते हैं, उसकी वजह से ना देखो इसमें किसी की गलती नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से खराब हो जाता है। हो सकता है कोई ना कोई धक्के मुक्के में वो फूट जाए बॉटल वॉटल, तो वो सीन। अच्छा गाइस, आज मेन अपडेट, अभी दिनों से पूछ रहे थे होम टूर होम टूर होम टूर होम टूर, तो सीन ऐसा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए। अब होम टूर थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा डिले हो गया है। मान के चलो एक से डेढ़ महीना तो मिनिमम मान के चलो कि होम टूर डिले हो गया, क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीज़ें कराई थी जो हमें ठीक नहीं लग रही। अब हम लोग उसको वापस से चेंज करा रहे हैं, तो जब तक मन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, मम्मी सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगी कि हाँ सब चीज़ अच्छी लग रही है, तब तक मैं उसको फाइनल नहीं करूँगा। कोई चीज़ मान लो हमने डिसीजन लिया कि इधर ये वॉल ऐसी करानी है, अगर वो अच्छी नहीं लग रही तो ऐसे ही कुछ डिसीजन की वजह से वो सब हम चेंज करा रहे हैं वापस से। तो और नए रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं उस घर में, ताकि और अच्छी चीज़ें हो पाए और हमें एडवाइसेज मिल पाए। और तो अब देखो कितना टाइम लगता है, मोस्ट प्रोबेबली एक डेढ़ महीना और गैस के अंदर, तो होम टूर तो अभी जल्दी नहीं आ रहा है, बट वी होप जल्दी आए हम लोग। हाँ, बट लेकिन जब भी आएगा तब आप लोग भी खुश हो जाओगे घर देख के। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो इतने टाइम वेट कराए तो हम लोग को भी, हाँ हम लोग को भी अच्छा लगे और सब कुछ, आप लोग को भी मजा आए घर देखने में, हम लोग को भी फिर वहाँ पर शूट वूट करने में मजा आए ना। और आज का प्लान ये है, अभी तो तू काम वगैरह कर ले, मैं घर पे जा रहा हूँ थोड़ा सा घर का काम वगैरह देखने के लिए, एक बार चीजें प्लान करने के लिए वापस से। आज शाम को चलने वाले हैं दिव्यांशी के पास। दिव्यांशी के काम की एग्जीबिशन लगी, उसने वो पेंटिंग वेंटिंग जो भी आर्ट का काम करती है तो उसकी एग्जीबिशन लगी हुई है। बहुत मजा आता है उससे मिलकर, हम लोग मैं मिकू और दिव्यांशी दोनों तीनों पागल हो जाते हैं, हंसते रहते हैं। भाई एक रात उसको रोक लो ना, उसके भूत चढ़ जाता है, वो पागल हो जाती है। चलो आज उसकी एग्जीबिशन वगैरह देखने जाएंगे। देखते हैं, उसने काफी बार बुलाया लेकिन आज तक मैं कभी गया नहीं, और आज भी लास्ट डे है। तीन दिन से बोल रही थी वो और आज लास्ट डे है, मैंने कहा आज तो पक्का आऊंगा मैं तेरे पास, तो आज जाएंगे वहां पर। ऐसा मैं मम्मी से मिलने के लिए, और ये बोल रही है कि अभी येल्लो गाड़ी है, देख तेरे मच्छर ही मच्छर मच्छर ही मच्छर हो रहे गाड़ी पे। ओहो हो, आज का क्या प्लान है मम्मी जी? क्या प्लान है बेटा? पापा है ही नहीं यहाँ पे। चलो वैसे दोस्तों, आज है हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी और पापा तो रहते नहीं है, क्या ही करें, पापा का काम ही खत्म नहीं होता। क्या प्लान, शाम को आ जाए तो चलें कहीं पे? पापा आ जाए तो, एक बार पापा आ जाए तो तू मुझे बताना। अब क्या है मेरे मम्मी पापा के साथ, क्या मैं प्लान ही नहीं बना पाता क्योंकि पापा होते ही नहीं है। अब या तो सर मम्मी को ले जाऊंगा मैं शाम को, मम्मी आपकी एनिवर्सरी बनाएंगी किससे ज्यादा अकेले, तो इसलिए कुछ सीन बना नहीं पाते एनिवर्सरी का या किसी चीज का। बट लेट्स सी, मना अच्छा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब पापा क्या काम को छोड़ते ही नहीं है, बाहर से आदमी आए तो उनका एक्चुअली, हाँ उनका सीन ऐसा है कि टाटा कंपनी से कुछ लोग बाग आए हुए हैं जिनके साथ में उनकी कंटिन्यू मीटिंग्स और वो सब चल रही है, तो उस चक्कर में वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे किसी और चीज को। आज संडे भी होता तो एक बार को चल जाती चीज है। पापा संडे को बिजी है, संडे को बिजी चल रहे हैं इस टाइम पे, तो डेली खाना बाहर खा के आ रहे हैं, उनको खिला के लाते हैं खा के तो उनकी तो पार्टी चल रही है। तो एक काम करते हैं फिर, अगर पापा फ्री नहीं हो शाम को तो फिर अपन ही चल लेंगे कहीं पे, ठीक है? ओके। हाँ जी मैडम जी, ठीक है, किसने दिया रोज तेरे को? वैलेंटाइन डे बना रही है? चल कहाँ लगे तेरे को आंटियां रोज दे रही है? अरे भाई तू लड़की है तो ये क्यों नहीं भूल रही? क्या भाई तू, क्या एग्जीबिशन है, क्या है भाई, क्या सीन है? आर्टवर्क लगा गाइस उसमें। कहाँ पर लगा है? जेके की जवाहर कला केंद्र। ओके दोस्तों, वैसे आज सब आने वाले थे, पूरी टीम आने वाली थी इसका आर्टवर्क देखने के लिए, जो इतने टाइम से करती आ रही है, हमें किसी को आइडिया नहीं क्या करती है ये, इसलिए सब आने वाले थे। इधर से क्यों नहीं, अरे कार सर्विस पे चली गई है और मस्टैंग में सब आ नहीं सकते थे, और मैं सीधा घर से आया हूँ, मैं उधर से आया हूँ घर से आया डायरेक्ट, उनके साथ नहीं था मैं इसलिए। और बाकी सेकंड ऑप्शन ये था कि बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ पाया हूँ, क्योंकि हिम्मत किसी की नहीं थी इसका आर्टवर्क देखने की,
आपको ये इसने इंटरनेट से डाउनलोड करके तीनों सेम है ये तो। अरे टेक्निक्स अलग अलग है, जैसे वो लग की जगह ये डॉट से वो लाइन से बनाई। अच्छा गाइज ये आर्ट वाली चीजें आर्ट वालों को समझ में आएगी, मुझे तो एकदम तीनों एक जैसी लग रही है। आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? अरे हाँ यार, ये लाइन से बनाई हुई है, ये डॉट से बनाई हुई है, ये स्क्रिबलिंग चाहिए। स्क्रिबलिंग क्या होता है हिंदी में बोला कर? अरे देख, अच्छा लकीटे करके, लकीटे करके भी। और गाइज ये बेकार ड्रॉइंग देख लिया आपने, हमें अच्छी ड्रॉइंग दिखाता हूं, अच्छी ड्रॉइंग इसमें भी मेरा पूरा मेरा। अरे वाह यार, ये वाला वाह। अच्छा इसमें भी तीनों अलग अलग तरीके से बनाई है तुमने? बाकी लोग भी बहुत तगड़ी तगड़ी पेंटिंग है, बहुत शानदार मस्त। यार दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाई हुई है, और ये सब लड़कियों ने बनाई हुई है, एक भी लड़के ने काम नहीं करा यहाँ पे। यार क्या ब्यूटीफुल चीज है, जो भी दिव्यांश ने नहीं बनाई वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये तुझे बनाई है? अरे वाह यार, अच्छा यार लिखा हुआ रहता है तुम्हारे साथ ना। वाह और कहा है? और यार कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई यार तुम लोगों ने यार, कार्टून सी कार्टून। ये तूने खुद की? अरे तो तूने तेरे पापा को बना दिया है ना अंकल, ये आपकी फोटो बना दी इसलिए बदला ले लिया आपसे। यार वो ऐसे दिखते ना थोड़े से, हेयर कट भी उनका ऐसा ही है। सही में भाई ये तूने वही बना दी। शाबाश, वही एड्स भी डिजाइन करने लग गई है। सीनरी अलग अलग तरीके की देखी, वरना तीन पहाड़ एक सूरज एक नदी बहती हुई यही देखी मैंने हमेशा। दोस्तों सही में लड़कियों के हाथों में जादू तो होता है भाई कसम। थैंक यू। ये ड्राइंग हमसे तो कभी नहीं बन सकती, सही बता रहा हूँ। वो जब मैंने वो सीनरी वाली पेंटिंग को तुम अलग बना दो तो गेम ही खत्म है। तीन पहाड़ एक सूरज एक झोपड़ी और एक नदी के अलावा तुम कुछ बना दो, तुम टैलेंटेड हो। नहीं यार शानदार, मतलब बताए मैंने मैम से बात करी, इधर से यहाँ से चलना क्या धक्का नहीं है क्या? मुझे बोला कि खुद को रास्ते यार, मैंने इनकी इनकी मैम से बात करी, बहुत परेशान करती थे, मैं बताता हूँ बेचारी इतनी अच्छी मैम है उनको परेशान कर दिया। शीतल मैम आपने क्या स्टूडेंट तैयार करे, ये स्टूडेंट में मानता ही नहीं बाकी स्टूडेंट। यार मजा आ गया, मतलब इनकी पेंटिंग्स देख के 176 लड़कियां थी जिन्होंने पेंटिंग और एग्जीबिशन में जो पेंटिंग्स लगी है वो 166 लड़कियों की थी, वो बाकी तो पता नहीं, लेकिन IIS डीम टू यूनिवर्सिटी की लड़कियां पेंटिंग तो बहुत अच्छी करती हैं, सारी की सारी, एक दो की भी नहीं, सबकी अच्छी है, एक से एक मजेदार। बेस्ट कितने सारे मच्छर है ये देखो, येलो कार के ऊपर। ओहो मेरे ऊपर भी आ गए। तो गाइस मैंने अभी अभी नायका का जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे उसका हॉल शूट किया, और देखो मेरे हाथों की हालत, और ये दो बार तो मैंने वाइप कर दिया, उसके बाद तीसरी बार में इतनी बुरी हालत हुई। बट वो लाइव होने वाला है जल्दी, सुरेश फैशन पे कल में लाइव हो जाएगा तो आप देख लेना, उसमें वो सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए व्हाइल शॉपिंग फ्रॉम नायका पिंक लव सेल या कहीं और वेबसाइट से, कहीं से भी आप शॉपिंग करो सेल के दौरान ब्यूटी प्रोडक्ट्स या नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स के लिए, देन आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ काफी सी चोट हुई है जिसमें प्रोडक्ट्स खराब आ जाते हैं या ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो आप कैसे सही कर सकते हो, कैसा अपना अमाउंट वापस ले सकते हो, कैसे अपना प्रोडक्ट रिप्लेस करवा सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। एंड मैंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी दी है, वो भी आप देख लेना। एक चीज मैं भी बताना चाहूंगा, देखो आप जरूर शॉपिंग कीजिए, सब चीज बढ़िया, बिकॉज़ हमारी शॉपिंग तो उस रूम से हो जाती है वहाँ पे एक इतना सा कबर्ड है, एंड इफ यू वांट समथिंग एल्स तो हम जैसे सीधा ले लेते हैं। अरे हाँ यार टिबू भैया यार प्लीज यार टिबू, हमारे पीछे क्या होता है बहुत सारे पीआर आते हैं ना, तो उसमें क्रीम्स ये वो आती है ना, तो ये लोग क्रीम यूज कर लेते हैं, कोई कुछ यूज कर लेता है। ये क्या है? ये कौन लाया? और भयंकर टिबू है तो भयंकर नेल पेंट, लेकिन है ना नॉर्मल नेल पेंट ज्यादा सही रहता है, वो टिबू क्यों ले गया? क्या कर रहे हो गाइस तुम लोग? अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? हम लोग स्ट्रॉबेरी पुडिंग बना रहे हैं, दिखी नहीं रहे? स्ट्रॉबेरी पुडिंग बन रही है। हेल्दी होती है? अनहेल्दी होती है? बहुत हेल्दी होती है, भयंकर हेल्दी। किया की बात बताऊं, चार बज गए सब, नहीं उसका फिल्टर में थोड़ा सा कचरा जम गया है शायद डीजल फिल्टर के अंदर, तो दो दिन गाड़ी वहीं रहेगी अब, और उन्होंने से बोला है कि अगर ये रुक जा बता रहा हूँ उस पर बाद में आऊँगा, अगर ये दो दिन के अंदर मतलब वो उसको निकाल के शायद कंपनी को भेजेंगे कि ये क्लीन होके चल जाएगी गाड़ी या नहीं होगी या चेंज कराना होगा, तो सीन ऐसे कि अगर ठीक होके आएगी तो दो दिन बाद अपने को संडे या मंडे को मिल जाएगी, नहीं होकर आई तो वो चेंज होता है 1.5 लाख रुपए का। तो ये हुआ क्यों है? कचरा जमने की वजह से, एक्स्ट्रा कचरा जम गया बहुत ज्यादा। इयर रिंग्स लेके जा रहा है भाई अपने, यार भाई हर चीज नहीं बता लेगी होती गाइस कोई बात नहीं है तो बता दिया, देखा धोखा, ये तेरी मम्मी देखती है। अरे 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 अभी टीपू भी है ना प्रशांत सर के साथ जाते तो ऐसे बोले यार मैं काम से सांगा ले जा कह रहा हूं, यार दीदी वो इयर रिंग्स दे रहा, कहां जा रहे हो आप?
बाइक लेके मिलने जा रहे भाई गोवा में कितना लगता है 150 रुपए अरे 300 रुपए एक दिन का स्कूटी का लगता है 300-550 रुपए भाई भानु की स्कूटी पता है क्यों लेके जाते हैं लोग हितेश जी जाते हैं कार वो बाइक हितेश जी लेके जाते हैं घुमाने प्रशांत जी लेके जाते हैं घुमाने और भी आसपास जितने लोग हैं सब अरे यार वो क्या मैं मिलने जा रहा हूँ मुझे बाइक चाहिए इसकी बेस्ट अभी फिलहाल ये बेस्ट बात ये कि वो वारंटी के अंदर है तो वो चेंज भी होगा तो फ्री में चेंज हो जाएगा थैंक यू भगवान थैंक यू नहीं तो आप नई गाड़ी ले लेते हैं ना यार कैसे ले लेते हैं यार कैसे भाई 1.5 लाख रुपए में नई गाड़ी चेंज कर दो 1.5 लाख रुपए का सिस्टम चेंज कराने के चक्कर में तो 2-3 दिन से तो मेरा जो दिमाग फट रहा है ना ये दिमाग मतलब है ना ये अंदर से ना आग बबूला क्यों हाँ, अच्छा समझ उस चीज की वजह से आज करके आया हूँ चीजें सॉर्ट और मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना 2-3 दिन से इतना ज्यादा बुरा इतना चलते मैं बताता हूँ बता। मैंने क्या सोचा था कि दिसंबर में घर रेडी होने वाला था हाँ। मैंने सोचा कि दिसंबर मम्मी का बर्थडे बनाऊंगा आज तक कभी बर्थडे नहीं बना क्योंकि पापा मम्मी को कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए बोलता था ना तो वो एक ही चीज बोलते थे अपना घर बनेगा तो हमने घर में करेंगे दिसंबर गया नवंबर गया दिसंबर गया जनवरी भी गया फरवरी आ गया और अब वो चीजें सारी बिगड़ चुकी इतना दिमाग खराब हो रहा है उस चीज को लेकर और आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी हाँ वैलेंटाइन डे के अगले दिन हमें तो बता दे यार अरे तो पापा के टाटा की कंपनी से कुछ लोग आए हुए तो 5 दिन से उनके साथ ही हैं तो वो शाम को आएंगे वो मुझे पता है कहीं जा नहीं सकते अब घर पे भी कैसे प्लान करते मम्मी का मन ही नहीं है बोले बेटा एक बार घर बन जाएगा उसके बाद ही करेंगे वो अभी तक वही चीज है तो मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं सोचा था इस साल बर्थडे बनाएंगे उनका और ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी और ये सब रीजन क्या हुआ मेरी स्टार्टिंग की कुछ मिस्टेक्स की वजह से आज ऐसा हो रहा है वो आपको भी एक चीज बताती हूँ स्टार्टिंग में आज से 2 साल पहले की बात है वो 2 साल पहले हम लोग यार उतने केपेबल नहीं थे तो जो हम बेस्ट कर पाए वो हमने किया मेरे तक रहती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी वो मैं समझ गया सूरज मैं तो चल इधर हूँ अपना काम वाम कर रहा हूँ लेकिन परेशान वो हो रहे हैं अब यार सूरज देख ऐसे तो परेशानी वाली बात देखे तो फिर तो मेरे घर वाले भी हैं दोनों के घर वाले परेशान हो रहे हैं लेकिन आप अपन बेस्ट सूरज देख अपन जो बेस्ट कर सकते अपन कर रहे हैं हम जो बेस्ट गाइस ऐसे बहुत बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती है जो अभी तक हमने शेयर नहीं की है अगर हम शेयर करें ना बहुत चीजें इधर उधर हो जाएंगी इसलिए हम शेयर नहीं करते एक वो भी दिन आएगा जब हम आपसे सारी चीजें शेयर करेंगे मतलब ये जो आप यहाँ पर जो ग्रुप में मस्ती वगैरह देखते हो ना उसके पीछे एक हमारी ऐसी स्ट्रगलिंग लाइफ इस वक्त चल रही है जो हम शेयर नहीं कर रहे हैं बट होपफुली कभी करेंगे लेकिन मुझे ऐसे परेशान होना बिल्कुल नहीं पसंद अरे ठीक है सूरज यार देख अब तू मुझे एक चीज बता अब अपन मेरे घर वालों को भी घर देना चाहते हैं बट अपन नहीं दे सकते उसके रीजन है तेरे घर वालों को अपन जल्दी घर देना चाहते हैं बट नहीं दे सकते उसके भी रीजन है और रीजन अपन ही ना अपन तो अपना बेस्ट कर रहे हैं रीजन तो मैं मैंने गड़बड़ कर दी अरे तूने थोड़ी गड़बड़ की है चलो कोई नहीं वो तो करेंगे अब ये बहुत ही पागल है फालतू में सोचा कि मैंने डिसीजन ले लिया तो करो तूने थोड़ी लिया मेरे पापा का मेन चीज तो स्पेशली मेरे पापा का मन खुद के घर में लगता है वो हमेशा जब भी यहाँ पर भी आते तो वो क्या बोलते थे मुझे कि तू ले लेगा तब मैं आ जाऊंगा वो सीन था उनका तो वो उनका खुद का है वो बोले यार यहीं कर लेंगे अपने यहीं कर लेंगे तू एक चीज देख अपनी फैमिलीज में इस वक्त एक तरीके से अपन संभाल रहे सारी चीजें तो यार अपन की अपनी भी एक लिमिट है ना अपन जो अपने हाथ में वही तो कर सकते हैं ना इसमें ऐसी बातें कभी करता नहीं हूँ अपने अंदर ही रखता हूँ लेकिन क्या मेरा ये माता फट रहा है तो मैंने सोचा कि बाहर निकालता हूँ थोड़ी सी कोई बात नहीं हो जाता है देखो कभी कभी हो जाता है बेसिकली क्या है ना कि जैसे क्या होता है ना 2 साल पहले आप कुछ और थे 2 साल पहले आप कुछ और हो 2 साल पहले जो आपने डिसीजंस लिए उसकी वजह से अभी आपकी लाइफ थोड़ी अफेक्ट होगी ना तो आपको भी बुरा लगेगा कि शिट यार मैंने सही नहीं लिया बट उस टाइम यार सूरज स्टेट ऑफ माइंड अलग था चीजें अलग थी अपन इतने केपेबल नहीं थे आज अपन उससे थोड़े बेटर है कल को और उससे बेटर होंगे क्या पता अंकल आंटी को जो आज अपन ने घर दिया है कल को उससे भी भयंकर घर देते वाह कर देंगे यार अभी चलो कोई नहीं बाकी एक घर का अपडेट है गाइस अभी टाइम लगेगा उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं घर के अंदर अच्छा तो... मैं समझ गई तू नए उनसे मिलके आया और उनमें बहुत चेंजेस हो गए इसलिए तेरा दिमाग खराब हो रहा है वो बात नहीं है नए चेंजेस की लोड नहीं रहे मेरे को वो भी लोड नहीं मेरे को ये लोड है कि मेन दिन जो थे ना दिवाली चली गई नया साल चला गया मम्मी का बर्थडे बनाने का सोचा था एनिवर्सरी भी चली गई जो साल के जो मेन दिन थे ना वो मैं नए घर में उनके साथ सेलिब्रेट ही नहीं कर पाया समझ गई ये बोल रहा है बाइक चला नहीं आती डिब्बू को उसको चाबी लगाने नहीं आती लगी यार दोस्तों हमारे पास अभी कार नहीं है और हम आसपास से जा रहे हैं तो मैंने कहा बार बार मस्टैंग क्यों निकाले तो बाइक से जाने का मन कर रहा है आज चाबी पैदल जाने का मन कर रहा है चल चल अब चला लो भाई चालू करनी आती है तेरे को एक बार तू घुमा ला एक चक्कर काटे मेरे भरोसा नहीं रास्ते में भाई धक्का लगवाएगा एग्जिट कहां से उधर से उल्टा कहां जा रहा है चालू करते मान जाऊंगा इसको मैं बोल रहा हूं चालू बोल रहा हूं
चालू कर दे मान जाऊंगा इसको। टीपू तेरी चालू हो जाए जब आजी में पैदल पैदल रास्ते में चल रहा हूँ। अरे स्टैंड तो ऊपर कर ले पहले। चलो गाइस अभी चल रहे हैं घर पे, पापा फाइनली आ चुके हैं, रात के 10 बजे वो आए हैं। तो अब 10 बजे तो सिर्फ केक ही कट कर सकता है, कहीं जा भी नहीं सकते कोई ना। बट मम्मी के लिए मैंने ढेर सारी चीजें ले ली हैं। और फुल ऑन उनके मेन बड़े बड़े गिफ्ट्स बाद में देना चालू करूंगा जब उनका, अब मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी बेसिकली जब घर रेडी हो जाएगा। ये भगवान, ओ माय गॉड, देखो 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 इतना रेडी हो, आज के दिन तो रेडी होंगी यार। आज के दिन तो रेडी होंगी। अब याद आई है इसको सुबह से? नहीं हम लोग पहले भी आ रहे थे, लेकिन अंकल गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी सर्विस पे गई हुई है, फिर इसके घर से गाड़ी ले मंगवाई है। गाड़ी कौन सी गई सर्विस पे? किया किया मस्टैंग में ही आस मस्टैंग में हम सब फिट नहीं होते ना आंटी, क्या करें। बड़ी ले लो और बड़ी बस, आप आज बोल दिए जल्दी जीएलएसी लेंगे सीधी। अभी लेते हैं, अभी लेते हैं। पापा कहां हैं? अंदर कमरे में। मजनू एनिवर्सरी मजनू को तो गए थे साथ में। अरे यार सही बात है। नहीं नहीं आंटी नहीं यार, कैमरे पे अटैक कर देता है। अगर लोग दिख रहा है तो लोगों पे कर देगा। आज के दिन तो आपको आंटी के साथ रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज के दिन तो एक डेट बनती थी हम लोग। 27 साल में अब टाइम नहीं मिला तो अब क्या टाइम मिलेगा? हम लोग विजिट करने आए हुए हैं तो साल में एक बार आते हैं। और एनिवर्सरी टाइम पे आते हैं? एनिवर्सरी साल आ जाती है वो भी तो साल में एक बार आते ही है। ये कैसा केक हुआ? हॉस्पिटल से लाया कई शादी के बाद आज देखा ना 25 साल कितने 26 साल बाद एक दूसरे को। ये 26वीं आंटी आपकी 27 आप लोगों के लिए सब खाओ। क्या कर रहे हो स्कूल के साथ? अंकल जाओ 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 आंटी को फूल दो, वेट कर रहे हैं अंकल, फूल दे रहे, फूल का वेट कर रहे हैं देने का। ये लो यहां पे फोटो खींचते बढ़िया। जाओ 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 फोटो शूट करा लो भाई। अभी अपनी चालू कर दी यहां पे, स्माइल कर दो एक बार, स्माइल कर दो भाई। पापा की स्माइल उतनी है। लो आंटी गिफ्ट, लो आंटी गिफ्ट। अभी तो छोटे मोटे गिफ्ट दे रहा हूँ, बाद में दूंगा बड़े गिफ्ट, ठीक है? यही बड़े, ये देखो ये चॉकलेट, और ये तो मैं निकाल नहीं पाया ज्यादा है इसमें। आंटी बच्चे को बांट दो। लो ये केक ले लो, वो ग्लास ले लो एक उधर से। अब इसमें देखो बर्फ का आ रहा होगा ना, साइन उस पे क्लिक कर दो, बस आएगी अभी। आ नहीं रही है भाई, मेरे पास बर्फ आ रही है, क्या मतलब है बता भाई? तो प्रेस कौन करेगा? समझ आया मुझे तो नहीं आती, पर तुझे क्यों नहीं आती? ओके भाई भाई ठीक है, जाता हूँ मैं, ठीक जाते हम गाइस। ग्रैंड सेलिब्रेशन नेक्स्ट टाइम होगा, अंटिल नेक्स्ट टाइम उस टाइम पक्का शूट करूंगा और आप रेडी हो गया ना, बढ़िया कोऑर्डिनेट कर लो। प्रॉमिस जो चला गया, लेकिन मैं इस व्लॉग में प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट जो सेलिब्रेशन होगा ना वो ग्रैंड होगा, और इनके पास जो इनकी इच्छा की सारी चीजें हैं ना वो सारी होंगी तब तक। थैंक यू। यार ज्यादा बोलोगे तेजी वाले वो चला देगा। कैसे मैं एक चीज बताऊं, पापा को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। यहाँ फरारी खड़ी है,
अपनी इलेक्ट्रिक कार में बैठे चले जाएंगे। कुछ पापा नहीं है। आपको पता है, सही बता रहा हूँ, आउटफिट भी ना मम्मी लेकर आ जाती है तो वो पहन लेते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये कार पता नहीं कैसे खरीद ले, हमें विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ। पापा को तो ऊपर से पानी गिरता था ना, टप 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 टप, आराम से चैन से सोते थे, कहते बहुत सुकून नींद आती है। तो क्या बोलते, बाल्टी रखते, झरना बह रहा आपने तो करके ऐसे ही मतलब व्हाट फील है। मतलब हर चीज को एंजॉय करते हैं, वो पानी टपक रहा ले यार एक परात और रख दे, इधर भरता रहेगा पानी, क्या दिक्कत है अपने। चलो कोई नहीं यार, थोड़े टाइम में ये बहुत अच्छा बन जाएगा। यस गाइस, थोड़े टाइम, थोड़ा सा टाइम और लगेगा फिर भाई। उसको भी, उसको बोल लो, उसको बाहर निकालो, हम सब बाहर जाते हैं। एनिवर्सरी बना ली, उसको केक ही निकलाया किसी ने। चलो चलो गाइस, अभी चलते हैं और ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।